नमस्कार दोस्तों, मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद मुझे खाने में क्या खाना चाहिए? ये सवाल बहुत सारे लोग मुझसे करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया है, फिर वो घर चले गए हैं, और हफ्ते भर के बाद या 2 हफ्ते के बाद जब वो लोग आते हैं तो वो फिर ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हम क्या खाएं? हम मूंग की दाल पीपी के बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। तो मेरा उनसे सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या मूंग की दाल खाने के लिए आपको किसी डॉक्टर ने बोला था? उनका जवाब होता है नहीं, लेकिन हर कोई ये कहता है कि अगर हम कोई भी कड़ी चीज़ खाएंगे, हम रोटी खाएंगे, तो वो हमारे हमें दांतों से चबानी पड़ेगी, तो वो हमारे आँख पे असर डालेगी। हम चावल खाएंगे तो चावल बहुत ठंडा होता है तो वो हमारे आँख पर असर डालेगी। अगर हम कुछ बहुत ज़्यादा तीखा खाएंगे, कुछ बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खाएंगे तो वो भी हमारे आँख पर असर डालेगा। तो ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के मन में, बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद हमें बिल्कुल लिक्विड डाइट पे होना चाहिए, हमें रोटी भी अगर खानी है तो वो हमें दाल में भिगो के खानी चाहिए, नहीं तो अगर हम कुछ भी चबाएंगे तो हमारी आँख पे जोर पड़ेगा। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मरीज को क्या क्या खाना चाहिए के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला मिसकंसेप्शन तो ये है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद हमको बिल्कुल लिक्विड डाइट पर आ जाना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ मूंग की दाल खानी चाहिए। नहीं, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आप जो भी ऑपरेशन से पहले अपना रेगुलर डाइट में लेते हैं, जो भी कुछ आपके घर में बन रहा है, नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी, ये सब कुछ आपको खाना चाहिए, इन सब का आपको सेवन करना चाहिए, कोई भी परहेज मत करिए। रिगार्डिंग चावल खाने से कि ठंड लग जाती है, चावल की जो तासीर होती है वो थोड़ी ठंडक वाली होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चावल भी, जो लोग चावल के शौकीन हैं वो बहुत आराम से खा सकते हैं। मिर्च मसाले का खाना खाना चाहिए, तो जितना भी एक एडिक्वेट मिर्च मसाला आप नॉर्मली अपने रूटीन में लेते हैं उतना आपको लेना चाहिए, उसमें ऐसा कोई परहेज नहीं है। हरी सब्जियां, फल, दूध, दही, घी, ये आपको रेगुलरली अपनी डाइट में लेना चाहिए, इसका मोतियाबिंद के ऑपरेशन से कोई संबंध नहीं है। अब बात करते हैं परहेज की। देखिए, परहेज जो आपको करना चाहिए वो अपनी बीमारी, अगर आपको कोई और है तो उसके रिगार्डिंग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको शुगर है तो जो कुछ भी आपको शुगर का परहेज डॉक्टर ने बोला है आपको वो करना चाहिए। बहुत ज्यादा मीठा खाने से बचें, चावल आलू वगैरह ना खाएं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन रहता है तो आपको ज्यादा नमक अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज्यादा तेल मिर्च मसाला अवॉइड करना चाहिए। तो अपनी सिस्टमिक इलनेस, मतलब अगर आपको कोई और शारीरिक बीमारी है तो उसके हिसाब से आपको अपना खाने में परहेज रखना चाहिए। मोतियाबिंद के ऑपरेशन का खाने से कोई संबंध नहीं है, आप अपना जो भी रेगुलर खाना है वो आप खा सकते हैं। आँख की बीमारी के संबंध में अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।